हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको भारत देश के 7 नामों के बारे में बताने वाले हैं और भारत के ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। एक बार वीडियो को पूरा देखें और भारत से जुड़े रोचक तथ्यों का आनंद लें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप भारत के बारे में ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए और भी ऐसे रोचक तथ्यों की एक वीडियो जरूर लाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज को यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों इंडिया शब्द इंडस नदी के नाम पर आया है। इंडस नदी को सिंधु नदी कहा जाता है। इंडस ग्रीक भाषा का एक शब्द है। नंबर 2, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। नंबर 3, अरब आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था जो कि हिंदुओं से प्रतिपादित हुआ था। नंबर 4, महाभारत नामक ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष दिया गया है। नंबर 5, संस्कृत भाषा में से नाभिवर्ष नाम दिया गया है। नंबर 6, पूर्वी एशिया में इसे भारत देश को तियांजू नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, दोस्तों भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, दोस्तों जो हमारा भारत का पश्चिमी तट है जिसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गुजरात भी हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा अरब सागर में डूब गया है। नंबर 9, दोस्तों जो आप अपना भारत देश अभी उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं वो यहाँ पहले नहीं था, यह दक्षिणी गोलार्ध में था और जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। नंबर 10, दोस्तों आपने कैलाश पर्वत का नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये भारत में नहीं है बल्कि ये तिब्बत में पड़ता है। नंबर 11, क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि हिमालय एक नई पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय से पहले भी हमारे भारत देश में विंध्य, विंध्यांचल पर्वत और अरावली पर्वत हिमालय से बहुत पुराने हैं। नंबर 12, दोस्तों आपको पता है कि हमारा भारत देश स्थिर नहीं है, यह अभी भी गतिमान है, यह ऊपर की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर गति कर रहा है, यह पृथ्वी के अंदर के मैग्मा की वजह से लगातार चल रहा है। नंबर 13, क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार गुजरती है, कर्क रेखा से दो बार गुजरती है, उसका नाम है माही नदी जो भारत देश में बहती है। नंबर 14, क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे सर्वोत्तम भाषा मानी जाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मेरे प्रिय दर्शकों, मैं भारत के अद्भुत और रोचक जानकारियां आपके सामने ला रहा हूं, जो हमें भारतीय और अपने भारत देश पर गर्व का अनुभव कराती हैं। मुझे आपका दोस्तों सपोर्ट चाहिए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।